हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे सत्यजीत टेक्निकल चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ आईफोन फोन्स के बारे में और उनकी फुल डिटेल्स कि उसमें आपको क्या क्या चीज़ मिल रही है उन सारी फ़ोनों में, और एक दूसरे की फ़ोन की मैं कंपेयर करूँगा। सबसे ऊपर की बात की जाए तो आईफोन एक्स प्लस है, फिर उसके बाद आईफोन एक्स है, और उसके बाद जो है आपका आईफोन 8 है। तो इन सारी फ़ोनों का जो है मैं आपको फुल टोटल डिटेल्स आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़, यदि आप लोग अभी हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लास्ट में आप लाइक कर सकते हैं और प्लीज़ शेयर भी कर सकते हैं अपने सारे और फ्रेंड्स को इस जानकारी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इस फ़ोन में जो है, अभी जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये फ़ोन में आपको मिलेगा आईफोन एक्स का, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। आईफोन एक्स में जो है वो काफ़ी बेहतरीन, सबसे हाई लेवल की अभी जो है यहाँ पे आईफोन ने निकाला है, और इसमें जो है काफ़ी अच्छी 5.8 इंच की इसकी डिस्प्ले यहाँ पे बताई जा रही है, जो कि काफ़ी बहुत ही लंबी नहीं, कुछ हल्की 5.5 इंच से जो है 5.8 इंच की है, जहाँ पे 5.5 इंच की रहती है वो उससे थोड़ी सी हल्की बड़ी है। और यहाँ पे जो है इसकी फुल डिटेल्स क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आईफोन एक्स की, तो आईफोन एक्स की जो है वो डिस्प्ले आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि 5.8 इसकी डिस्प्ले रहेगी, और ये जो है आपका 4G सपोर्टेड रहेगा। सबसे पहला बात, आप इसमें जियो नैनो सिम जो है आप यूज़ कर सकते हो, और ये 2G 3G काफ़ी अच्छी रहेगी। इसकी टच जो है वो 3D रहने वाली है, और यदि मैं बात करूँ इसकी नेटवर्क की, तो नेटवर्क तो आपको 3G मिलेगा, और काफ़ी हाई स्पीड इसके नेटवर्क जो आपको मिलने वाली है, और 3G टच रहेगी। यहाँ पे इसकी कैमरा की यदि बात की जाए, तो कैमरा जो है इसमें आपको डुअल कैमरा, आपको तो ऑलरेडी पता है कि पीछे जो है आपको डुअल कैमरा मिलेगा, रियर कैमरा इसकी डुअल रहेगी, आगे की जो है वो सिंगल कैमरा है, और उसकी जो मेगापिक्सल है वो 7 मेगापिक्सल या 8 मेगापिक्सल हो सकती है, जो कि यहाँ पर अभी कन्फर्म नहीं बताया जा रहा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बैक कैमरा की बात करूँ, तो बैक कैमरा में आपको यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का जो है आपको कैमरा दिया जा रहा है, और इसमें जो है आपको यदि वीडियो रिकॉर्डिंग आप करते हैं तो आप जो 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और इसकी जो है आपको बहुत सारी जो है इसकी वीडियो क्वालिटी यदि मैं बात करूँ, तो बहुत सारे अभी देखे होंगे आप लेटेस्ट फ़ोन को, तो वहाँ पे आपको दी जाती 90:20x1080 समथिंग, यही 90:20x1080। लेकिन यहाँ पे जो दी जा रही है वहाँ पे है, इसकी वीडियो रेगुलेशन की बात की जाए तो आप 4K यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी इसकी रेगुलेशन वीडियो दी जा रही है, जो कि 1125, जी हाँ 1125x24x36, जी हाँ, जैसे कि आप 90:20x1080 वगैरह वगैरह देखते होंगे, लेकिन उससे भी हाई क्वालिटी यहाँ पे दी जा रही है, क्योंकि ये अभी सबसे महंगा और सबसे कॉस्टली फ़ोन यहाँ पे आईफोन की तरफ से लॉन्च किया गया है। और इसकी यदि कैमरा की बात करें, तो कैमरा आपको ऑलरेडी पता है कि डुअल कैमरा यहाँ पे पीछे दिया जा रहा है, और आगे जो है फ्रंट कैमरा ओनली सिंपल है, और वो भी जो है समथिंग आपको काफ़ी अच्छी दी जा रही है, 7-8 मेगापिक्सल की यहाँ पर फ्रंट कैमरा जो है वो दी जा रही है। और बैक कैमरा की बात की जाए तो वो जो है 4K आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और इसकी बैटरी की बात की जाए तो बैटरी भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे देने वाली है। तो बैटरी की डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप 30 मिनट्स में ऑलरेडी, तो ये आपको पता है कि वायरलेस चार्जर है, और ये जो है आप 30 मिनट्स में इसकी आप जो है फुल्ली बैटरी आप चार्ज कर सकते हो, 30 मिनट्स, जी हाँ 30 मिनट्स में आप जो है इसकी बैटरी 50% प्लस आपकी चार्ज हो जाएगी वायरलेस। ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो है वो आईफोन लेके आ रहा है, तो देखने वाली बात है कितनी कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। तो इसकी यदि प्राइस की बात की जाए, तो मैं प्राइस आपको बता देता हूँ, ये दो रेंज में आ रही है, एक 64 GB और एक आ रही है आपको 256 GB, जी हाँ दो प्राइस में ये आपको आ रही है, एक आपको आ रही है 64 और दूसरा आ रहा है आपको 256 का। तो आपको जो परचेसिंग करनी है वो परचेसिंग कर सकते हैं, उसकी MRP मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए MRP मैं आपको बता, 1150 यूरो, तो यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया 236, जी हाँ 25x36 का जो है पिक्सल वाला वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसकी कैमरा की बात की जाए तो कैमरा भी काफ़ी लाजवाब है, डुअल कैमरा यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। डुअल कैमरा जो है वो आपका दो है, एक आपको 8 मेगापिक्सल का आएगा, एक आपको 12 मेगापिक्सल का आएगा, और एक जो फ्रंट कैमरा होगा वो आपको 7 मेगापिक्सल का आएगा। तो दोनों में यहाँ पे ये डिफरेंस दिया गया है कि दोनों कैमरा जो है आपको काफ़ी अच्छी जो है अपर्चर के साथ आपको फ़ोटो खींचने वाली है, और जो भी वीडियो दी आप रिकॉर्ड करोगे तो वो 4K में वीडियो रिकॉर्ड होगी। तो ये यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रखी गई है। और दूसरा जो है यहाँ पे आईफोन का ये जो 3 GB रैम है इसमें दिया जा रहा है, और यहाँ पे 64 GB और 256 GB, जी हाँ दो वेरिएंट में यहाँ पे लाई जा रही है, एक 64 GB एक 256 का। यहाँ पे समथिंग जो है 1170 यूरो, जी हाँ 1170 यूरो इसकी प्राइस रखी गई है, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ
इसकी प्राइस मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। इसकी प्राइस जो है यहाँ पे 1150 यूरो, जी हाँ 1150 यूरो जो है यहाँ पे इसकी प्राइस रखी गई है। और ये जो है दो वेरिएंट में आ रही है, एक आपको सिल्वर में आएगा, एक आपको ग्रे कलर में आएगा। तो ये दोनों जो है वो काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छी यहाँ पे मार्केट में धमाल मचाने वाली है। और इसकी यदि कलर की बात तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी, इसकी बैटरी की यदि बात की जाए तो बैटरी जो है यहाँ पे दी जा रही है आपको बहुत ही लाजवाब। और ये जो बैटरी है आपको बहुत जल्दी, मैंने ऑलरेडी आपको आगे बता दिया कि 30 मिनट में आपकी बैटरी जो है 50% चार्ज होने वाली है। जी हाँ 30% में आपकी बैटरी 50% चार्ज होगी और वो भी वायरलेस चार्ज है। तो वायरलेस चार्जिंग के द्वारा जो है आप 30% आपकी बैटरी 30 मिनट में आपकी 50% बैटरी चार्ज होने वाली है। ये सारे फ़ोन आईफोन एक्स हो गए, आईफोन प्लस हो गए, या आईफोन 8 हो गए, इन सारों में जो है आपकी बैटरी जो है काफ़ी अच्छी आपकी चार्ज होने वाली है। तो इन सारी की मैं आपको रेट बता दूँ, आईफोन प्लस की तो मैंने आपको बता दी, सॉरी आईफोन एक्स की मैंने बता दी, आईफोन प्लस की मैं आपको बता देता हूँ। आईफोन प्लस की आपकी बैटरी की रेट आज सॉरी मोबाइल की प्राइस आने वाली है वो आ रही है 910 यूरो, और आईफोन 8 की आ रही है 800 यूरो। यदि बैटरी की इसकी बात की जाए, यदि आप बात करके यूज़ करोगे तो वो समथिंग चलने वाली है आपकी बहुत काफ़ी लंबी, और यदि आप नेट वगैरह यूज़ करोगे तो वो 14 घंटा चलेगी, 14 आवर। जी हाँ यदि आप नेट वगैरह यूज़ करते हो आईफोन 8 तो वो 14 आवर चलने वाली है, यदि टॉक टाइम यूज़ करते हो तो वो 14, जी हाँ वो 14 घंटे चलेगी जो आप नेट यूज़ करोगे, और यदि आप बात करने वाले हो तो वो 40 आवर्स बैटरी बैकअप देगी। आईफोन 8 की बात कर रहा हूँ मैं। आईफोन यदि आप प्लस में जाओगे तो वहाँ पे आपको 60 आवर दी जा रही है, आईफोन प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जाओगे तो आपको 60 आवर दी जा रही है कि आप बैटरी बात करके यूज़ करोगे तो 60 आवर है, और 21 आवर जो है वो आपको दी जा रही है, यहाँ पे आप नेट यूज़ करते हो तो वो 21 आवर दी जा रही है। यदि इसकी बात की जाए तो ये भी सेम है, 60 और 21 का यहाँ पे बैटरी बैकअप दिया जा रहा है, और ये भी आपको जो है वायरलेस सारी की जो है यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग सपोर्टिंग दी है। और इसकी ब्राउजिंग की बात की तो वो भी ब्राउजिंग इसका जो ऑलरेडी रहता है सफारी का HTML5 जो है इसकी सारे में जो है वो ब्राउज़र दी जा रही है, सफारी के द्वारा आप जो है इसमें सारी इंटरनेट ब्राउजिंग कर पाओगे। और इसकी यदि मैं कैमरा की आपको फिर से मैं बता दूँ, कैमरा वो आईफोन 8 के बारे में वो था आपका एक्स का, फिर प्लस का, और अब जो है वो आईफोन 8 का आएगा। तो आईफोन 8 में आपको क्या आ रहा है, आईफोन 8 में जो है वो आपको दिया जा रहा है 4G सेट है, जो कि सारी यहाँ पे जितनी सेट है वो 4G है। और इसमें जो है आपको बैटरी मैंने ऑलरेडी तीनों की बता दी, और डिस्प्ले भी आपको मैं बता ही देता हूँ, डिस्प्ले यहाँ पे मिलने वाली है आईफोन 8 की 4.8, जी हाँ 4.7 या 4.8। आईफोन 8 की जो रैम है वो 2GB यहाँ पे रैम दी गई है, जी हाँ आईफोन 8 की रैम जो है यहाँ 2GB दी गई है। और इसकी स्टोरेज जो 64 और 256 का यहाँ पे दिया गया है। इसकी कैमरा की बात की जाए तो कैमरा इसमें भी आपको 12 मेगापिक्सल का यहाँ कैमरा दिया गया है, और इसकी भी जो कैमरा है वो 2 रियर कैमरा है, 1 फ्रंट कैमरा है, तो दोनों जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पर कैमरा दी जा रही है, और काफ़ी बेहतरीन ये फ़ोन होने वाला है। और इसकी प्राइस आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो जाइए यदि आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ आप जाके परचेज़ करो, काफ़ी अच्छी जो है वो लाइन लगने वाली है। और प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और आईफोन प्लस की बात करूँ या आईफोन एक्स की, दोनों में सेम है GB और रैम, दो ये तीनों फ़ोन जो है वो आपको दो वेरियंट में आ रही है। ये तीन फ़ोन आईफोन आपको हो गई एक्स, आईफोन एक्स प्लस, और एक हो गई आपको आईफोन 8। कर ली आईफोन प्लस की बात करूँ तो इसमें भी वही है, और इसमें जो है आपको 2GB आपको रैम मिल रही है, और 64 और 256 का इसका GB मिल रहा है मेमोरी कार्ड इसके अंदर इंटरनल, तो दोनों आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं तो बोलूँगा कि आप जो है यदि आपके पास ज़्यादा आप ये कर रहे हो तो मैं आईफोन 8 की बात करूँगा, चूँकि वो काफ़ी अच्छी है। तो चलिए दोस्तों अभी के इस वीडियो में इतना ही, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, आपका कोई भी सवाल है जवाब हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी सवालों को जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए थैंक यू, यदि आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए इस तरह रोजाना लेटेस्ट वीडियो लेके आते रहते हैं टेक की। तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम, इसी तरह हम आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए ट्यूटोरियल के साथ, तो इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो को देखने के लिए, बाय।